अस्सलाम वालेकुम, डेली मार्केट रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। आज के दिन केसी 100 इंडेक्स 213 नेगेटिव पॉइंट के साथ जो है वो बंद हुआ है और ओवरऑल जो इंडेक्स का लेवल है 39,835 लेवल पे पहुंच गया। शुरू में जब मार्केट आज स्टार्ट हुई तो वीक जो शुरू के दिन से ही एक्टिविटीज़ काफ़ी डल थी और इंडेक्स एक्चुअली अमाउंट मूव कर रहा था, लेकिन जिस तरह जो है दिन गुजरता गया तो मार्केट में हमने सेलिंग प्रेशर देखा। रीज़न पॉलिटिकल साइड पे जिस तरह एक पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी नज़र आ रही है डिफरेंट, खासतौर पे पंजाब के इलेक्शन को लेके जो है डिफरेंट करारदादे भी जो मंजूर हो रही है और आज जो है वो लास्ट डे सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट डिसाइड की थी कि इन पंजाब के इलेक्शन के लिए फंड रिलीज़ करना है उसके हवाले से भी जो है वो चीज़ें चल रही हैं। उसके साथ साथ IMF के हवाले से अभी भी अनसर्टिनिटी है। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार जो है अभी भी जो है वो उन्होंने जो है US का जो टूर था जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग थी, एनुअल मीटिंग, उसे उसमें जाना था, लेकिन उन्होंने अपना जो है वो पॉलिटिकल इशूज़ की वजह से अपना जो है वो दौरा जो है कैंसिल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर देखा और यही वजह है कि आज रुपये में भी जो है प्रेशर नज़र आया, तकरीबन डॉलर जो है वो 3 रुपये ऊपर जो है वो बंद हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड और जिस तरह हम बातें करते हुए आए कि मार्केट इसी तरह एक रेंज बाउंड मूव करती रहेगी और जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ IMF के हवाले से या इकोनॉमिक फ्रंट पे या पॉलिटिकल फ्रंट पे हमें नहीं मिलती है, मार्केट जो है इसी तरह बिहेव करेगी। आज सबसे ज़्यादा काम जो है WTL के अंदर हुआ है, इसके बाद JSBL, टैली और K इलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा काम जो है वो देखने में आया है। थैंक यू।